सतीश चंद्र मिश्रा पे आवाज़ उठाना जायज़ है और नहीं भी जायज़ है। सबसे फीडबैक लेना बंद कर चुकी हैं। विरोध की आवाज़ है, जन समाज पार्टी से बढ़िया भारत में कोई पार्टी नहीं है। हाँ, तो समाजवादी पार्टी वालों को अब हम क्या कहें, वो तो हमारा वोट भी ले लिए और दलितों को स्वीकार भी नहीं कर रहे, कह रहे हैं 5 किलो राशन में बिक गया। वो इल्ज़ाम जो है बहन जी पे आ जाता है, बहुजन समाज पार्टी पे आ जाता है। मेवालाल गौतम बैठे हों, चाहे अशोक गौतम इलाहाबाद वाले हों, या सतीश मिश्रा को भी ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए कि ब्राह्मण समाज हमको ब्राह्मणों का नेता नहीं मानता है, हमें अस्वीकार कर चुका है। दोस्तों नमस्कार, आज हम इलाहाबाद में हैं, जहाँ पे बसपा का मंडल कार्यालय, यहाँ पे जो है मानवर कांशीराम साहब की जयंती मनाई जा रही थी और यहाँ पे काफ़ी युवा भी थे और जो युवा चुनाव हारने के बाद अपने दुख को बयां कर रहे थे, तो कुछ इधर उधर की बातें हो गई, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे, जो यहाँ पे जो भी बातें हुई, जो लोग हलचल मचाती हैं, क्या बातें हैं साहब? मैं यही कहना चाहता हूँ भाई कि जैसे पार्टी में जो भी लोग जुड़े हैं, बहन जी ने जो काम किया है 7 से 12 तक, उसके बल पे उनका सम्मान है, हर चीज़ है। आज बहन जी सबसे फीडबैक लेना बंद कर चुकी हैं। फीडबैक ना लेने की वजह से तमाम उनके जो पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो मेवालाल गौतम बैठे हों, चाहे अशोक गौतम इलाहाबाद वाले हों, या इनको तो इनके खिलाफ़ अगर जनता आती भी है तब भी क्या कारण है कि इनको जो है प्रमोशन दे दिया जाता है कि आपको इलाहाबाद के बदले जो है मिर्ज़ापुर का भी मंडल का आपको संभालना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे काफ़ी लिखा जाता है कि कोऑर्डिनेटर को बाहर किया जाए, और अभी भी जो है आप कोऑर्डिनेटर पर बोल रहे थे, आपको ही बाहर कर दिया गया वहाँ से? नहीं, बाहर नहीं कर दिया गया। दरअसल वो विरोध की आवाज़ है, जिनको लगता है कि मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ और समय लेने की वजह से जो है ऐसा हुआ है, बाकी और कोई बात नहीं है। तो समाज पार्टी जो है 4 बार मुख्यमंत्री बनाई है, BSP जो है मुख्यमंत्री बनाई है, अब की ऐसा क्या हुआ कि एक ही सीट पर सिमट गए? एक ही सीट पर सिमट जाने से कोई प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि हमारा खुद का 22% वोट है। अगर हम मेहनत करके 2-4% भी जोड़ते तो हम सत्ता में आते, और सत्ता में आते तो BSP और बहुजन समाज पार्टी से बढ़िया भारत में कोई पार्टी नहीं है जिसके पास इतना बड़ा कैडर हो, इतनी बढ़िया सोच हो। वो सबके लिए काम करती है, बहुजन के आधार पे बनी है, तो ऐसा नहीं कि किसी से नफरत करती है, वो सबके लिए काम करती है, सबको सबका हक हिस्सा मिलता है, तो वो मिलता। लेकिन क्या है कि कुछ पदाधिकारी लोग मेहनत नहीं किए, जिनकी वजह से जो है पार्टी आज रसातल में चली गई है, जिसका सबको अफसोस है। नहीं, यहाँ पे भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ के कोऑर्डिनेटर जो हैं कुछ पैसों में दलाली में पिस गए हैं। अब इनके पास तो ऐसा इल्ज़ाम लगता ही रहता है, फिर वो इल्ज़ाम जो है बहन जी पे आ जाता है, बहुजन समाज पार्टी पे आ जाता है। दरअसल धोखा यही लोग बहन जी को देते हैं, और बहन जी में कमी क्या है कि वो फीडबैक जैसे नाम मात्र का लेती हैं या नहीं लेती हैं, जिसका नतीजा है कि बहन जी को गुमराह कर दिया जाता है और बहन जी समझती हैं सब अच्छा अच्छा है, और अंततः धोखा हो जाता है। 10 सालों से यही हो रहा है। गुमराह कौन करता है? गुमराह जिन पर विश्वास करती हैं वही लोग करते हैं। नहीं, कुछ लोग जो है सतीश चंद्र मिश्रा पर आवाज़ उठा रहे थे, आज जो है बहन जी के बगल में सतीश चंद्र मिश्रा जी दिखे नहीं। सतीश चंद्र मिश्रा पे आवाज़ उठाना जायज़ है और नहीं भी जायज़ है। सतीश चंद्र मिश्रा ही एक ऐसा आदमी है जिसने 3 राउंड जो है BSP के लिए प्रचार किया, एक ब्राह्मण महासभा किया और प्रबुद्ध सम्मेलन नाम से, दूसरा जो है 84 सीटों पर जा करके वो जो आरक्षित सीटें उस पर प्रचार किया, फिर जहाँ से बहन जी मंडल स्तरीय रैली कर रही थी वहाँ से जो है सतीश मिश्रा जो है कई सीटों पर विधानसभाओं पर जाके पूरा प्रचार किया बहन जी के जाने के बाद। तो सतीश मिश्रा का यहाँ दोष नहीं है, बस सतीश मिश्रा को भी ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए कि ब्राह्मण समाज हमको ब्राह्मणों का नेता नहीं मानता है, हमें अस्वीकार कर चुका है। हमें भी पार्टी से, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से बहन जी से कह के ये कह देना चाहिए, बहन जी हमें समाज, हमारा समाज स्वीकार नहीं करता, हम वोट नहीं दिला पाएंगे, या हम दिला पाने में असक्षम हैं, हमारी बात नहीं लोग मानेंगे, तो इसका मतलब है कि मैं पार्टी का वो ब्राह्मणों का नेता। ब्राह्मण का वोट कट गया, 19% जो है BSP का वोट रहा और अब की बार 12% में हो गया। और सोशल मीडिया पे भी लिखा जा रहा है, हवा बनाई जा रही थी कि कह रहे थे कि लोग मायावती की पार्टी जो है BJP की बी टीम है। नहीं, BJP की बी टीम तो बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहन जी ने भी कहा है और बहन जी से ज़्यादा पूरा बहुजन समाज कहता है कि हमारी पार्टी जो है वैचारिक लड़ाई के साथ साथ सामाजिक लड़ाई भी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए हमारी पार्टी का BJP के साथ बी टीम होना ये सरासर निराधार है, ये मीडिया और सामंतियों की चाल है, जो तमाम यूट्यूबर बने घूम रहे हैं उन सब की चाल है, BSP को नीचा दिखाने की कोशिश करे, और आज वही नतीजा है कि लोग BSP को हल्के में लिए और BSP को वोट नहीं किए, इसलिए हमारा भी 10% वोट कट के जो है करीब 65-70% वोट समाजवादी पार्टी ले गई, और कुछ तो जो है BJP में भी। पार्टी वाले लोग तो कहते हैं कि जो भाजपा ले गई है।
हाँ, तो समाजवादी पार्टी वालों को अब हम क्या कहें, वो तो हमारा वोट भी ले लिए और दलितों को स्वीकार भी नहीं कर रहे, कह रहे हैं 5 किलो राशन में बिक गया, इसके आरक्षण का विरोध करो, अब इसके साथ नहीं आएंगे। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को आके कहना चाहिए कि उनके जो कार्यकर्ता लंपटाई करते हैं उस पर लगाम लगाएं। मैं बता दूं आपको, मेरा ही दोस्त है, एससी है, प्रतापगढ़ का है, उसके बाप का डिमोशन अखिलेश यादव ने किया था, लेकिन वो व्यक्ति सारी चीज़ों को छोड़ करके अखिलेश यादव को वोट किया है। जब अखिलेश यादव को वोट किया है तो कोई सपाई या अखिलेश यादव कैसे कह सकते हैं कि एससी ने हमको वोट नहीं किया? भाई 65 से 70% तुम वोट लेके हम ही को ही गरिया रहे हो, हमारी औकात तुम 5 किलो राशन से माप रहे हो, और तुम खुद जो है सरकार आने के पहले ही गुंडई करने लगे, काफ़ी लोग जो है हो हुड़ो दंगई करने लगे, जिसका नतीजा है वो बीजेपी और मीडिया के मदद से अखिलेश को ऊपर उठाया गया था, ताकि जो है मुसलमानों का वोट 100% कन्वर्ट किया जा सके, और कन्वर्ट हुआ भी, कुछ एससी भी गया, कुछ यादव भी गया, यहाँ तक कि तो थर्ड फेज वाले 59 सीटों में समाजवादी पार्टी को यादव ने ही वोट नहीं किया, सब बीजेपी में चले गए। पार्टी के हारने से समाजवादी पार्टी के समर्थक जो है बहन जी को कह रहे हैं कि राष्ट्रपति बनाएंगे भाजपा वाले, ये तो इनकी गलती है। ये मुलायम सिंह यादव से पूछें या अखिलेश यादव से पूछें कि आपके घर के करीब 4 मेंबर बीजेपी में जुड़े हुए हैं, और खुद मुलायम सिंह यादव जी जो है नरेंद्र मोदी को, जो कि आरएसएस का ही आदमी है, प्रधानमंत्री तो अब बना है, लेकिन आरएसएस का बहुत बड़ा आदमी जो है बीजेपी में तभी पद पाता है, तो ऐसे नरेंद्र मोदी को जब मुलायम सिंह यादव आशीर्वाद देते हैं फिर भी मीडिया या यूट्यूबर उन पर आरोप ना लगा करके बहन जी पर आरोप लगाता है, तो इसका मतलब मीडिया और समाज जो है, जो सामंती समाज है, वो दलित नेतृत्व को नकारना चाहता है, बस और कुछ नहीं। बहन जी जो है ऐलान की थी कि बीएसपी में युवाओं की 50% की भागीदारी होगी, आप भी युवा हैं, आप इधर बोल रहे थे आपको बाहर कर दिया गया, क्या सही है क्या सही नहीं सही है, युवा कितने प्रतिशत में जो है बसपा के साथ है? बाहर नहीं किया गया, दरअसल कुछ लोगों को तकलीफ थी, बस मेरी बातों को लोग चाह रहे थे कि विरोध की आवाज़ को ना उठाए, मतलब मैं थोड़ा तीखा बोल रहा था, ये मैं समझ रहा हूँ, और तीखा बोलना जरूरी है, समय भी ज्यादा ले रहे, तो इसलिए जो है समय भी मैं ज्यादा की बात कर रहे थे। युवा की भागीदारी कितनी है बीएसपी में? युवा की भागीदारी जो है काफी लोग जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि युवाओं के, कितने लोग हैं पद पे? तमाम लोग हैं, हर जगह तो युवा कभी दिखता ही नहीं बीएसपी के पास, दिखता नहीं, वो इसलिए नहीं दिखता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं कोई फीडबैक नहीं रह गया है, अगर कोई फीडबैक लेता तो हर एक आदमी काम करता है, जब कोई फीडबैक लेने वाला ही नहीं तो सब अपना बैठ के पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, अब बैठ के तो पार्टी सरकार में आ नहीं सकती है। आज हमारा वोट जो है फिक्स, जिसको बोलते हैं, जिसके लिए बहन जी ने, पूरी बसपा ने जो जो ऐतिहासिक काम किया है, वो सपा हो, बीजेपी हो और कांग्रेस हो, 4 ठो दाना मुँह में डाल सकती है, लेकिन वो बहन जी के अलावा काम नहीं कर सकती है। जो काम बहन जी ने किया है, इवन उनकी सरकार में ब्राह्मण भी था, मंत्री भी था, फिर भी बहन जी ने सीने पे चढ़ के बहुजन मिशन को लागू किया है, तमाम स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कुछ तो बनवाया है, प्रमोशन दिया, प्रमोशन में आरक्षण दिया, 1 लाख भरा बहन जी ने भरा ना। नहीं, मायावती जी जो है एक ऐलान किया अभी ट्वीट करके कि हमारे पार्टी का प्रवक्ता चाहे जो हो अब मिन हिस्ट्री मीडिया पे इंटरव्यू नहीं दे। नहीं, बहन जी को सोचना चाहिए कि अगर आपके पार्टी का कुछ नहीं गए वो ठीक है, लेकिन अगर प्रवक्ता ही नहीं जाएगा और आपका नेता भी नहीं जाएगा समाज में, तो फिर बीएसपी को सुनेगा कौन? मीडिया एक ऐसा माध्यम है, बीजेपी के पास कई मीडिया है, एक तो उसकी मीडिया है ही जो जातिवादी है, वो लोग तो लगे रहते हैं, दूसरी मीडिया इनके पास जो साधु संत और तमाम अगड़म बगड़म बाईस हैं इनके पास, ये लोग क्या करते हैं टीवी यूट्यूब के माध्यम से वो बीजेपी की राजनीति को, बीजेपी के जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसको आप सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश वाला जो इनकी सोच है उसको लागू करते हैं, वो जन जन तक जाता है। जब आपके प्रवक्ता आप टीवी पे नहीं जाएंगे, आपकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जाएगी, सीधी बात है, जब आपकी आवाज़ ही कहीं नहीं सुनी जाएगी तो हमारी पार्टी सरकार में कैसे आएगी? तो इसी वजह से जो है पार्टी को लोग कम आके हैं, वरना पार्टी को लोग लोड में लेते। सोचिए जिनके पास 1% की भी औकात नहीं है आज वो भागीदारी कर रहे हैं। बीएसपी के पास 22% वोट है, अगर बार्गेनिंग भी करेगी तो लंबा चौड़ा लाभ होगा उसको, लेकिन बीएसपी बार्गेनिंग करने वाली पार्टी नहीं है, बीएसपी सत्ता को प्राप्त करने वाली पार्टी है, आपको राजा बनाने वाली पार्टी है, और राजा बनाने का मतलब ये नहीं है कि जो है कि राजा बन के बैठी रहेगी। बीएसपी वो पार्टी है जो सरकार में आएगी तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि इनके सरकार बनने के बाद जो है सवर्णों को परेशान किया जाए, किसी को नहीं परेशान किया जाएगा, और ना परेशान करती हैं, वो इतिहास है ही, तो इसलिए सर्वजन को सम्मान देना चाहिए और सभी को जो है वोट करना चाहिए, लेकिन अब नहीं किया है तो हमारी पार्टी की क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। इतनी करारी हार के बाद
क्या सोच कर बैठे हैं? आप बसपा के साथ रहेंगे, कहाँ रहेंगे? क्या बसपा का फिर बदलाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बसपा को बदलाव तो करना चाहिए। बहन जी ने खुद में बदलाव कर लिया है। बहन जी ने मात्र 2 दिनों के अंदर, जो बहन जी किसी से फीडबैक नहीं लेती थी, वो बहन जी करीब 1-1 घंटे से जिम्मेदार लोगों से समाज के युवा भी हैं, युवाओं से, और जो है युवा को लेकर मायावती जी क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, युवाओं से भी बात कर रही हैं। करीब आज से अभी तक बहन जी 20-30 लोगों से घंटे भर समय से वो बात कर चुकी हैं। उनको पार्टी की इस भयानक हार का दुख है। खुद जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो भी आई थी बाइट देने, तो उनको देख के लगा कि वो काफ़ी निराश हैं। वो निराश थी, वो झलक रही थी। तो बहन जी जो है सुधार पार्टी में होने वाला है, वो दिखेगा, वो होली के बाद जरूर दिखेगा सुधार। हमारे साथ में जो अभिषेक अंबेडकर जी थे, जो इलाहाबाद में रह रहे हैं और अंबेडकर नगर से आए हुए छात्र हैं, जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने बीएसपी की करारी हार के बाद जो है बहन जी से एक ऐलान मांग की है कि युवाओं की भी भागीदारी दी जाए।